क्वेश्चन क्या दिया था, अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन। अब देखो इसके लिए हमने क्या बताया था, जब भी डोमेन निकालते हैं तो क्या करो, जो भी इसके अंदर का उसको देखो, एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, दोनों का अलग अलग पहले निकाल लो। पहले का निकालोगे तो क्या लिखोगे कि एक्स इज एक्स माइनस सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मिला सिक्स एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, सिक्स से लेकर इनफाइनाइट तक। यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि ग्रेटर एंड इक्वल टू है, दैट्स वाई। फिर नेक्स्ट लाइन इसमें क्या कहोगे, फोर माइनस एक्स, यहाँ से क्या लिखोगे कि फोर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उसके लिए डिफाइन होगा, तो आप वहाँ से मिल के क्या आएगा कि एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू फोर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट से फोर तक, यहाँ पे क्या बनेगा, फोर पे ग्रेटर एंड इक्वल टू है, दैट्स वाई यहाँ पे क्लोज इंटरवल। अब जब दो निकल गए तो हमने क्या बताया, डोमेन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो या इनटू में हो, तो उनको क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या लगेगा, इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लाइन का, इस लाइन वाले मेथड से क्या करोगे, माइनस इन्फिनिटी से फोर तक ये वाला है, ठीक है, जबकि दूसरा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, सिक्स से इन्फाइनाइट तक। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, नहीं आ रहा है, तो क्या लिखोगे, फाइव, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या मिलेगा आपको, फाइव मिलेगा, ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया।